So last video में हमने देखा था how to solve linear equations in one variable. हमने solving सीखी थी, also represent करना सीखा था solution को number line पर. So now we are going to do application of linear equation in one variable. अभी भी हम one variable से ही deal कर रहे हैं. So now you will be given a word problem. आपको पहले उसको linear equation form करनी है और फिर उसको solve करके you have to write the answer. राइट तो देखते हैं एग्जांपल. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 18 सच दैट देयर सम इज मोर देन 20. तो इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं. क्या पूछा गया है? फाइंड ऑल पेयर्स. पेयर्स का मतलब है एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म. राइट. Find all pairs of consecutive. Consecutive मतलब एक के बाद एक odd positive integer. Integer होना चाहिए, positive integer होना चाहिए और उसके साथ odd होना चाहिए. तो आपको पता है integers start, positive integers start from 1, 2, 3 and so on. और हम इधर सिर्फ कौन से positive integers की बात कर रहे हैं? Odd. So that means 1, 3, 5, 7, 9, 11 हम ऐसे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं और कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक. सो इफ यू स्टार्ट विद 1 द नेक्स्ट दैट इज कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर विल बी 3. 1 के बाद सीधा 5 नहीं ले सकते. दोज आर नॉट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स. राइट. तो हमें ऐसे सारे पेयर्स निकालने हैं एक के बाद एक जो हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. Both of which are smaller than 18. मतलब जो पेयर है हमारे पास, जो पेयर हमें निकालना है, दोनों ही नंबर 18 से छोटे होंगे एंड उनका सम क्या है? इट इज ग्रेटर देन 20. तो ये हमें गिवन है. तो क्योंकि मुझे ये फाइंड करने और मेरे पास नंबर्स है नहीं, तो पहले मुझे कुछ लेट ही करना पड़ेगा. राइट. तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन लेट द स्मॉलर नंबर टू बी एक्स and the next consecutive odd positive integer. For example, if your first consecutive, first odd positive integer is 1, let us suppose, the next kaun sa aana chahiye? 3. So that means if I am taking this as x, to 3 kaise mil raha hai? X plus 2. Or even if it this was x, the next consecutive odd positive integer kaun sa hoga? 5. So that means x plus 2. तो हम क्या कर रहे हैं? हम पहले को x लेट कर लिया है, तो दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 2 पर ही आएगा. राइट. नाउ इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट x, आई कैन इजीली फाइंड आउट माय पेयर्स. कौन कौन से पेयर्स ऐसे होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? ओके. सो नाउ जो गिवन है उस पर आते हैं. तो गिवन क्या है? दैट दोनों ही 18 से छोटे हैं. तो मैंने एक नंबर लिया था x, दूसरा था x plus 2. तो x will be less than 18, जो हमने एक फॉर्म की इक्वेशन, इन इक्वेशन, और दूसरा है x plus 2 is less than 18. दोनों ही नंबर 18 से छोटे हैं. And their sum is greater than 20. So if I take their sum, वो क्या बन गया? 2x plus 2 is greater than 20. Right? तो ये मेरे पास एक फिर इन इक्वेशन बन गई. तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो नाउ इफ आई सॉल्व दिस, सी 2x plus 2 इज ग्रेटर देन 20. इफ यू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी लाइक वी डिड इन द लास्ट वीडियो, मैं 2 को लेफ्ट एंड राइट एंड साइड शिफ्ट कर दिया, दैट इज आई एम सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी. सो यू गेट x इज ग्रेटर देन 9. राइट. अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है and it should be less than 18 by the given condition. So x is lying between 9 and 18. ठीक है? x कैसा number है? It is odd positive integer. तो 9 included नहीं है because inequality कैसी है? Strict. तो 9 and 18 are not included. So 9 के बाद कौन सा positive odd integer मेरे पास होता है? 9 के बाद obviously 11, then 13, then 15, then we also have 17. Right? So you can also think that we can also keep 17. Okay, for now let us keep 17 also.
सो 9 और 18 के बीच में और पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे पास यही आ जाएंगे. ओके तो x आ गया, तो मुझे पेयर निकालना था, तो x प्लस 2 भी निकालते हैं. तो x प्लस 2 इसके लिए क्या होगा 13, इसके लिए क्या होगा 15, इसके लिए क्या होगा 17, और 17 के लिए क्या होगा 19, राइट. नाउ जस्ट सी 11 13 पेयर सैटिस्फाई बोथ दीज कंडीशन, दैट नंबर इज लेस देन 18, दोनों नंबर लेस देन 18 है, करेक्ट. दूसरा 13 एंड 15 आल्सो सैटिस्फाइज, 15 17 आल्सो सैटिस्फाइज. पर जैसे ही मैं 17 19 पर आती हूँ, तो 17 तो 18 से छोटा है, x इज लेस देन 18, बट x प्लस 2 को भी लेस देन 18 होना था, जो कि ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा. सो वी कैन नॉट टेक दिस एज आवर पेयर, राइट. तो ओनली पेयर्स जो ये कंडीशन सैटिस्फाई करेंगे विल बी 11 13 13 15 एंड 15 17. सो दिस वॉज योर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. अब ऑड की जगह कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है. Both of which are larger than 8, such that their sum is less than 25. Okay. तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि numbers नहीं है हमारे पास, तो हम पहले numbers ही let कर लेते हैं जो हम find कर रहे हैं. So let the numbers be, अगर मैं पहला number x लूंगी, even positive integer. अब देखो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 ये चल रहे हैं. अब हम इवन की बात कर रहे हैं, तो पहला अगर 2 है तो नेक्स्ट 4 आएगा, राइट. 4 देन 6. तो अभी आप देख सकते हो अगर पहला x लिया है तो 4 कैसे आएगा, x प्लस 2 करके, या अगर पहला x 4 है तो देन कब आएगा, x प्लस 2 करके. सो दैट मीन्स अभी भी मेरे पास जो नंबर्स अगर मैं लेट करूंगी, सो दोज नंबर्स विल बी x एंड x प्लस 2, राइट. नाउ व्हाट इज गिवन टू अस वो देखते हैं. सो गिवन ये है दैट बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 8, तो मतलब x भी ग्रेटर देन 8 है एंड x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 8 है, ये सैटिस्फाई कर रहे हैं, राइट. तो ये हमारे पास दो चीजें गिवन है. ऑल्सो एक और चीज गिवन है, दैट इज that the sum is less than 25. तो जो उनकी sum की condition given है, that is x plus 2 is less than 25. Now when they are saying less than, that means strict less than equals to बोलेंगे, तो हम less than or equals to type inequality लगाएंगे. So this implies what? This implies 2x plus 2 is less than 25. Which implies what? 2x is less than 23. Which implies x is less than 23 by 2. Which in points, if you find out, is 11.5. तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास बन गया x is less than 11.5. Okay. अब थोड़ा इधर ध्यान से समझते हैं. हमने क्या लिया था कि x इवन पॉजिटिव इंटीजर है एंड इट इज ग्रेटर देन 8, और यहां पर क्या कंडीशन बन गई, इट इज लेस देन 11.5. तो x ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 11.5. तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. इवन होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ओके. तो 8 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 10, एंड 10 के बाद इवन पॉजिटिव इंटीजर इज 12, जो कि हम नहीं ले सकते. सो ओनली वन नंबर इज सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन. सो x कैन ओनली टेक वन वैल्यू, दैट इज 10, राइट. तो हमें नेक्स्ट नंबर निकालना था, तो x प्लस 2 इसके साथ जो पेयर आएगा वो क्या बन जाएगा, 12. कंडीशन क्या थी, x को ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 8, 10 है,
x plus 2 should also be greater than 8. X plus 2 is 12, which is also greater than 8. That means both the conditions are satisfied. So your pair which satisfy this condition is 10, 12, right? So this will be your answer. Next question, dekhte hain. In the first four papers, each of 100 marks, Rishi got 95, 72, 73 and 83 marks. चार पेपर 100 मार्क्स के हैं तो एक बच्चे का स्कोर बताया गया है उन चार पेपर्स में. इफ ही वांट्स एन एवरेज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मार्क्स, अब इस बच्चे को स्कोर करना है एवरेज या तो 75 या उससे ज्यादा मार्क्स का, एंड लेस देन 80 मार्क्स, और लेस देन 80 होना चाहिए उसका एवरेज मार्क्स. फाइंड द मार्क्स ही शुड स्कोर इन द फिफ्थ पेपर. तो चार के मार्क्स मुझे पता है चार पेपर के, फिफ्थ पेपर में कितना स्कोर किया जाए सो दैट जो मार्क्स का एवरेज होगा दैट शुड लाई बिटवीन 75 टू 80. दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है, तो पहले तो एवरेज का मतलब समझ लेते हैं. ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट फिर भी लेट्स से अगर आपके एक पेपर में आए हैं 90 मार्क्स और दूसरे पेपर में आए हैं 80 मार्क्स, सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द एवरेज ऑफ दीज मार्क्स दैट मीन्स यू विल एड both of these, क्योंकि दो का एवरेज है, so 90 plus 80 divide by आप कर दोगे 2. Now अगर तीन होंगे तो तीन को add करके divide by 3 कर देंगे. That is how you find the average, right? Okay. Now let's see. क्योंकि fifth paper में marks नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं? We can let the marks obtained by Rishi in fifth paper be x. Let kar sakte hain. Now according to our given condition, jo average hai inka, average matlab jitne bhi sare scores hain, to scores hain 95, 72, 73, 83. हमने चार पेपर के मार्क्स दिए और फिफ्थ पेपर के मार्क्स हमने खुद एक्स लिए, तो एवरेज विल बी सम ऑफ ऑल द मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5, राइट? अब ये एवरेज किसके बीच में लाई करना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75 एंड इट शुड बी लेस देन 80. ये एवरेज मार्क्स इसके बीच में लाई करने चाहिए, तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया. So now our question has only reduced to solving this inequality. और हमें solve करना आता है. कैसे solve करेंगे? You can first add and simplify this. 95 plus 72 plus 73 plus 83. If you add these, this will be 323 by x plus x by 5. Less than 80. So now you can multiply the whole inequality by 5. So this will give you 375 is less than 323 plus x is less than 400. And if you have to find, you have to find the value of x. So you will subtract 323 from both the sides. So this will give you 52 and this will give you 77. So to obtain an average marks greater than or equals to 75 and less than 80, he should score between anywhere between 52 to 77. Agar iske beech mein wo fifth paper mein marks deega, to uska average idhar lie karega. So you will write the answer that he must score anywhere between 52 to 77 marks. So this will be your answer. Next question, dekhte hain.
IQ of a person is given by the formula IQ is equals to MA, that is mental age, upon CA, that is chronological age, into 100. IQ का फॉर्मूला आपको गिवन है किसी भी इंसान के IQ अगर आपको टेस्ट करना है सो दैट इज MA अपॉन CA into 100. MA means mental age, आपकी एक्चुअल मेंटल एज क्या है. क्रोनोलॉजिकल एज मतलब कितने आप साल के हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग इन 11th एंड योर एज इज 16 ईयर्स सो क्रोनोलॉजिकल एज आपकी 16 हो जाएगी. मेंटल एज अभी भी हो सकता है आप अभी 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सोच पा रहे हो या फिर ऐसा हो सकता है आप बहुत एडवांस चल रहे हैं आप ज़्यादा सोच पा रहे हैं. तो मेंटल एज गारंटीड नहीं होती बाय योर क्रोनोलॉजिकल एज. ओके क्रोनोलॉजिकल मीन्स योर एक्चुअल एज जो आप अभी जितने साल के आप हो. तो आई क्यू का फॉर्मूला गिवन है एम ए अपॉन सी ए इंटू 100. ओके क्या बोला गया है इफ आई क्यू फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन इज लाइंग बिटवीन 80 to 140. तो जो 12 साल के बच्चे हैं उनका आई क्यू लाई कर रहा है 80 to 140 के बीच में. तो बोला गया है फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज. तो उनका मेंटल एज किस रेंज में लाई करेगा ये हमें निकालना है. ओके तो क्योंकि आई क्यू लाई कर रहा है 80 to 140 के बीच में एंड वी नो आई क्यू इज गिवन बाय द फॉर्मूला व्हाट एम ए अपॉन सी ए इंटू 100. तो मैं आई क्यू की जगह पर ये लिख सकती हूँ एंड सिंस वी आर डीलिंग विद द आई क्यू फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन सो बेसिकली मुझे क्रोनोलॉजिकल एज पता है. तो क्रोनोलॉजिकल एज यहाँ पर क्या हो गई That is 12. The only variable here is mental age. और यही तो पूछा गया है कि mental age की range बताओ. तो अगर मैं इस inequality को solve कर लूंगी तो मुझे mental age मिल जाएगा. So let's solve for mental age. तो 12 by 100 से हम पूरा inequality को multiply कर रहे हैं. So if you solve this, this will come out as 48 by 5 and this is 84 by 5, which in turn is 9.6 to 16.8. So इस रेंज में हमारी मेंटल एज लाई कर सकती है एनीवेयर बिटवीन 9.6 टू 16.8 राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर्स. एक आदमी 3 लेंथ कट करना चाहता है फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. आपके पास एक बोर्ड है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर गिवन है. ओके लेट्स से हम लोग एक बोर्ड लेते हैं. ये बोर्ड है 91 सेंटीमीटर लॉन्ग बोर्ड है हमारे पास ये. तो इसमें से आदमी 3 लेंथ्स कट करना चाहता है तो 3 लेंथ्स कट करना चाहता है. ओके अब बोला क्या गया द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लार्जर देन द शॉर्टेस्ट. जो सेकेंड लेंथ आप कट करेंगे वो 3 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए देन द शॉर्टेस्ट लेंथ से जो भी आप सबसे छोटी कट करोगे. एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग. जो थर्ड लेंथ होगी वो दुगनी होगी एज द शॉर्टेस्ट. तो दोनों ही जो कंडीशन गिवन है वो शॉर्टेस्ट से रिलेट करके दिया है. मतलब अगर आप शॉर्टेस्ट कुछ सपोज कर दोगे तो आपको सेकेंड लेंथ भी पता चल जाएगी और आपको थर्ड लेंथ भी पता चल जाएगी राइट. ओके
तो बोला क्या गया है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड, क्या पॉसिबल लेंथ है आपके पास शॉर्टेस्ट बोर्ड के लिए, इफ द थर्ड पीस, जो थर्ड पीस है, इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द सेकेंड, कि आपका जो थर्ड पीस आएगा वो कम से कम, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर तो बड़ा होगा ही होगा दैन द सेकेंड से. सो दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहले मेरे पास बोर्ड है जिसमें से मुझे 3 लेंथ कट करनी है, और जो भी रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में वो शॉर्टेस्ट के साथ रिलेट करके दिया गया है. तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट की बार बार बात हो रही है तो हम शॉर्टेस्ट को ही पहले कुछ सपोज कर लेते हैं, सो दैट हम कुछ इनइक्वालिटीज को बना फॉर्म कर पाए. सो लेट द शॉर्टेस्ट, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड बी एक्स. हमने शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ एक्स ले ली. लेट से मैं यहां पर मार्क कर लेती हूँ, एक शॉर्टेस्ट ले लेते हैं हम. दिस इज माई शॉर्टेस्ट, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट ले रहे हैं और ये मैंने एक्स लेंथ ले लिए और बाकी दूसरे हमें नहीं पता, ठीक है. शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ हमने एक्स ले ली. अब देखो क्या बोला गया है, द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लार्जर दैन द शॉर्टेस्ट. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो सेकेंड लेंथ है, सो लेट्स से दिस इज माई सेकेंड लेंथ, सेकेंड लेंथ क्या है, सेकेंड लेंथ की कंडीशन दैट इट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट. तो सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट. तो सेकेंड लेंथ मेरे पास आ गई 3 + x, एंड द थर्ड लेंथ, जो थर्ड लेंथ है उसके लिए क्या कंडीशन गिवन है, दैट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, दुगनी है शॉर्टेस्ट से, तो 2x है. सो लेट्स से ये थर्ड है मेरे पास, ये 2x है. तो मेरे पास सारे लेंथ्स मुझे पता है, शॉर्टेस्ट, सेकेंड लेंथ, थर्ड लेंथ, 3 लेंथ्स हमने अपने आप लिख ली इन टर्म्स ऑफ एक्स. नाउ सी, जो टोटल लेंथ है बोर्ड की वो 91 है, राइट. तो अगर मैं इनको एड अप करूं सारे लेंथ्स को, एक्स प्लस 2x प्लस 3 + x, अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो ये या तो 91 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट कटिंग हुई है, या फिर इट विल बी लेस देन 91. कुछ तो हमारे पास वेस्ट भी हो सकता है कटिंग में. सो दैट मीन्स इफ यू ऐड ऑल दीज लेंथ्स दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 91, राइट. एक इक्वेशन फॉर्म हो गई. तो इस इक्वेशन के लिए मैं यहां से एक सॉल्व कर सकती हूँ. क्या आ जाएगा, इफ यू ऐड दीज 4x प्लस 3 < 91, विच इम्प्लाइज 4x इज लेस देन और इक्वल्स टू 88, एंड विच इम्प्लाइज x इज लेस देन और इक्वल्स टू 22, राइट. तो मेरे पास आ गया x की कंडीशन, कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो 22 से, या तो 22 हो सकती है या उससे छोटी ही होनी चाहिए. ऑल्सो क्योंकि आगे बोला गया है कि बताओ पॉसिबल लेंथ क्या होनी चाहिए शॉर्टेस्ट बोर्ड की, इफ द थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. तो इससे भी मेरे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, जो मेरा थर्ड पीस है दैट इज 2x, राइट. थर्ड पीस इज एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, मतलब इसके तो इक्वल होना ही चाहिए या इससे ज्यादा भी होता है, हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम मतलब इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है. सो थर्ड पीस इज एटलीस्ट कितना, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, 5 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, सेकेंड लेंथ से, और सेकेंड लेंथ थी क्या 3 + x. तो ये भी मेरे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, सो आई कैन सॉल्व दिस ऑल्सो फॉर x. सॉल्व करके देखते हैं. सो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x, यू विल गेट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8. तो अभी आपने देखा एक इक्वेशन से हमें मिला था x इज लेस देन और इक्वल्स टू 22,
और इससे मिल रहा है x is greater than or equals to 8. तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिला, x is greater than or equals to 8 and x is less than or equals to 22. x was what? That was the shortest piece of the board. तो मतलब जो shortest piece होना चाहिए board का वो कम से कम 8 centimeter long होना चाहिए, but not more than 22 centimeters. तो वो ये सारी conditions satisfy करेगा, right? So finally you can write, therefore shortest piece must be at least 8 centimeter long, but not more than 22 centimeter long. Right? So this is your answer. एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन इज, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ अ 12% एसिडिक सॉल्यूशन. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. Ek manufacturer ke paas 600 liters of a 12% solution of SDF. Matlab 600 लीटर उसके पास जो क्वांटिटी है लिक्विड की वो है जिसमें से 12% क्या है, एसिडिक है, राइट. तो बोला गया है कि कितना लीटर 30% एसिड सॉल्यूशन का उसमें ऐड किया जाए सो दैट जो एसिड कंटेंट है फाइनली रिजल्टिंग मिक्सचर में, क्योंकि ओरिजिनली 600 लीटर था और उसमें एसिड कंटेंट कितना था, 12% ऑफ 600. अब बोल रहे हैं कितना लीटर हम 30% एसिड सॉल्यूशन का ऐड करें, तो ऑब्वियसली जब मैं कुछ ऐड कर रही हूँ तो रिजल्टिंग मिक्सचर चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज हो रही है. तो जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें जो एसिड कंटेंट होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%, राइट. तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक चीज समझने की ये जरूरत है कि जो हमारे पास लिक्विड है वो हमारे पास कितना लिक्विड है, 600 लीटर्स ऑफ लिक्विड हमारे पास अवेलेबल है जिसमें से एसिडिक कितना है, 12% ऑफ 600 इज एसिडिक, राइट. ओके, देन बोला गया कितना हम कितना लीटर ऐड करें 30% एसिड सॉल्यूशन का, तो कितना लीटर ऐड करें मुझे नहीं पता, तो हम सबसे पहले इधर से ही स्टार्ट करते हैं कि हम कितना लीटर ऐड कर रहे हैं. क्या लेट कर सकते हैं, लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन बी एडेड, ठीक है. तो हमने x लीटर्स ले लिया. अब देखो ओरिजिनल आपके पास लिक्विड कितना है, 600 लीटर्स, जिसमें एसिडिक कितना है, एसिडिक दैट इज 600 का 12%, दैट इज 12/100, तो कितना एसिडिक है, दैट इज 72. 72 लीटर्स इसमें से एसिडिक है. अब हमने क्या लिया कि हम x लीटर्स ऐड कर रहे हैं इसमें, तो जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर है
जब आफ्टर आई एड तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 600 था और उसमें मैं x ऐड कर रही हूँ, तो रिजल्टिंग टोटल मिक्सचर मेरे पास 600 प्लस x लीटर्स हो जाएगा। और x का कितना परसेंट एसिडिक है, 30% एसिडिक है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर का अगर आप देखें एसिडिक कंटेंट वो क्या होने वाला है, दैट विल बी एसिडिक कंटेंट ऑफ 600 एंड एसिडिक कंटेंट ऑफ जो आपने x लीटर ऐड किया है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर या एसिड एसिडिक कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज हाउ मच, एक तो 600 का 600 लीटर में जितना एसिडिक था दैट वाज 72 अभी हमने निकाला, और x लीटर्स में कितना है, तो x में 30% एसिडिक है, तो x में 30% एसिडिक है मतलब 30/100, सो दैट इज 3x/100, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये मैंने जो निकाला है ये एसिडिक कंटेंट निकाल लिया है रिजल्टिंग मिक्सचर में, यही तो एसिडिक कंटेंट है ना, ये 3x/10। तो मुझे रिजल्टिंग मिक्सचर भी पता है, मुझे रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिडिक कंटेंट भी पता चल गया। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो जो गिवन था हमने वो फॉर्म करके लिख लिया, राइट। अब देखते हैं क्या बोला गया था, तो पूछा गया था कितना आप ऐड करोगे 30% एसिड सॉल्यूशन का, सो दैट जो एसिडिक कंटेंट होना चाहिए रिजल्टिंग मिक्सचर में, ये रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिडिक कंटेंट है, दैट शुड बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। सो दिस एसिडिक कंटेंट, एसिडिक कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ मैं, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, दैट शुड बी मोर देन कितना 15%, 15% ऑफ व्हाट, रिजल्टिंग मिक्सचर की बात हो रही है, 15% ऑफ 600 प्लस x एंड शुड बी लेस देन 18% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर का ही हम ले रहे हैं एसिडिक कंटेंट, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें सो दैट मीन्स 72 प्लस 3x/10, that was the acidic content in the resulting mixture, that is 15% of 600 plus x and less than 18% of 600 plus x. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी आती है तो हम क्या कर सकते हैं, 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल गिव यू 9000 प्लस 15x बाय 100 अभी है, 720 प्लस 3x लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 10 एंड 18 इनटू 6 दैट इज 10800 प्लस 18x एंड दैट इज 100। सो आप यहां से जीरो कट कर सकते हैं और पूरी इनइक्वालिटी को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पूरी इनइक्वालिटी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट दिस, राइट। तो हमें सॉल्व करना है x के लिए, तो आप देख सकते हैं इधर भी x है इधर भी x है, तो ये एक इनइक्वालिटी को साथ में सॉल्व करेंगे और फिर क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है तो लेस देन वाला हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको दो पार्ट्स में सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज बोथ साइड x आर रिटन, अगर एक ही होता तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते एक ही स्टेप में, यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, तो एक ये पार्ट कर लेंगे और एक कर लेंगे,
ठीक है, सॉल्व करते हैं. सो 9000 माइनस 7200 आप लिख सकते हैं, एंड दिस इज 30x माइनस 15x. सो 9000 माइनस 7200 विल बी आई थिंक 1800. 9000 minus 7200, that is 1800 is less than 15x. क्योंकि हमने सिर्फ subtract किया है, कुछ और changes नहीं किए हैं, positive number से ही divide कर रहे हैं, तो sign of the inequality does not change. And 1800 divide by 15 gives you 120. So एक चीज आ गई, x is greater than 120. इसको solve कर लेते हैं. 30x minus 18x is greater than 10800 minus 7200. If you subtract this, this is 3600. This is 12x. So x is less than 300. So dusri equation aagi. So x greater hai 120 se aur less hai 300 se. So question tha, kitna hum add kare, kitna 30% acidic solution ka add kare, so that resulting mixture mein acidic content 15% aur 18% ke beech mein lie kare. To agar aap 120 se 300 liters ke beech mein add karte ho 30% acidic solution ka, to aapka resulting solution mein acidic content lie karega 15 to 18%. So this is your answer. So, आज के वीडियो में हमने सीखा how to solve linear equation in one variable, उसकी applications.